अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं जुलेखा अरफत फ्रॉम जुलेखास किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने कोथमीर की चटनी। पुदीने कोथमीर की चटनी आप किसी भी पकोड़े और चाट और किसी भी तरीके के उससे खा सकते हो, सर्व कर सकते हो। चलिए मैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए। ये है पुदीने कोथमीर के पत्ते, सॉरी कोथमीर को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, डंडियां तोड़ ली है और बहुत अच्छे से दो तीन पानी से धो लिया है। और ये है 1.5 कप पुदीने कोथमीर के पत्ते, और ये है आधा कप, टाइटली पैक्ड है, और ये है आधा कप पुदीने के पत्ते जिसे मैंने धो लिया है और उसके भी स्टेम्स जो है डांडियों से इसे निकाल लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप 1 कप ये और 1 कप ये भी ले सकते हैं। अब जैसे मैं ये 1.5 कप और ये आधा कप ले रही हूँ, आप 1 कप और 1 कप ये दोनों एक एक ले सकते हो। ये रेशियो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये है नमक, थोड़ा सा नमक डालूंगी, जैसे 1/4 टीस्पून, 1/4 छोटा चम्मच चाय का। ये है जीरे का पाउडर, आधा चाय का चम्मच, छोटा चाय का चम्मच जीरे का पाउडर है। ये आधा छोटा चाय का चम्मच अक्खा जीरा है। ये है आधा टेबल स्पून शुगर, शक्कर है ये। ये 6 से 7 कली लहसुन की है। ये है पादरा नमक, काला रॉक नमक, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं काला नमक। ये है नींबू, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून नींबू, और ये है 2 हरी मिर्चियां। आप हरी मिर्चियां अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 2-3, जैसे आपको स्पाइसी ज्यादा चाहिए आप उस हिसाब से हरी मिर्ची ले सकते हो। चलिए एक मिक्सर जार के अंदर आप ये जो कोथमीर है पूरी धुली हुई, ये पसारी कोथमीर डाल दीजिए। उसके बाद आपने डालना है ये पुदीना, सारा पुदीना डाल दीजिए। और अब हम डालेंगे नमक, जीरा, अक्खा जीरा डाल रही हूं, और शक्कर भी डाल रही हूं, ये लहसुन वो भी डाल देती हूं, और 2 हरी मिर्चियां डाल रही हूं, बट मैं 2 के बजाय 3 हरी मिर्चियां डाल देती हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। और ये मैं डाल रही हूं काला नमक, रॉक सॉल्ट, और मैं ये जो ये है पाउडर है अभी मैं नहीं डालूंगी और ना ही नींबू का रस डालूंगी। और अब मैं इसे घुमा लेती हूं। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूं सो दैट वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाए मिक्स। मैं 2-3 टेबलस्पून डाल रही हूं। चलिए अब इसे पीस लेते हैं। चलिए देखते हैं खोलकर। ये देखिए हो चुकी है, अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बराबर से हो चुकी है। अभी हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं एक बाउल के अंदर। चलिए इसे मैं बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ। और थोड़ा सा आपके जो जार के अंदर चिपका हुआ है उसको भी हम निकाल देते हैं। इसे पानी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा इसे हिला लेते हैं और उसे भी डाल देते हैं हम। उसे भी घुमाकर मैं डाल देती हूं थोड़ा। अब ये जीरे का पाउडर डाल देती हूं और ये नींबू का जूस डाल देती हूं, रस। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा अब आपको बैलेंस करना हो, जैसे थोड़ा सा शक्कर डालना है या थोड़ा सा नमक डालना है, ये थोड़ा सा पादरा नमक जो काला नमक जिसे कहते हैं वो भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो इस हिसाब से मेरा जो शक्कर था वो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। मुझे उस हिसाब से बैलेंस्ड चाहिए, लेकिन आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, वो आप आधा चम्मच शक्कर जो डाले हैं वो ही इनाफ है आपको लगता है तो कोई वादा नहीं, क्योंकि आप टेस्ट कीजिए, आपको बेहतर लग रहा है आपके टेस्ट के हिसाब से तो लेट इट बी। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ एंड इट्स डन। ये हो गई रेडी मेरी चटपटी
मिंट और कोरिएंडर, पुदीने और कोथमीर की चटनी। अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मेरी रिटर्न रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने इमली का बताया है कि इमली से कैसे देते हैं खटास, और वो बड़ी टेस्टी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों ही अच्छी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेक श्योर आप बेल आइकन को क्लिक करना जरूर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि वो अगर आप नहीं करोगे तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे लेटेस्ट। फिर से हाजिर होंगी चलिए एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।